हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी, आई होप आप सभी ठीक होंगे। लेकर आई हूँ आपके लिए आज की इस टैरो कार्ड रीडिंग को। सो आज की इस रीडिंग में देख लेती हूँ क्या कुछ एनर्जीज आ रही हैं मेरे पास में आपके रिलेशन के लिए। एंड आज की इस रीडिंग में चेक करूँगी यूनिवर्स का क्या कुछ मैसेज है आपके रिलेशन के लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपके पर्सन की लाइफ के लिए, आपके रिलेशन में आने वाले चेंजेस क्या कुछ हो सकते हैं चेक करूँगी आज की इस रीडिंग में। सबके रिलेशनशिप के लिए क्या कुछ एनर्जीज आ रही हैं चेक कर लेती हूँ अपकमिंग टाइम के लिए, यानी कि आगे आने वाले कुछ दिनों के लिए क्या कुछ एनर्जीज हैं। देन मैं चेक करूंगी यूनिवर्स के मैसेज और जनरल बेसिस। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड पर्सनल प्रेडिक्शन पेज है। सो स्क्रीन पे आ रहे व्हाट्सएप नंबर पे अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इफ़ यू वांट चेक कर लेती हूँ आपके पर्सन की क्या, सॉरी आपके रिलेशन की क्या कुछ एनर्जीज है जो मेरे पास में आ रही है आपके रिलेशन के लिए। अगले कुछ दिनों के लिए क्या कुछ एनर्जीज रहने वाली है आपके रिलेशन की। सो आपके रिलेशन की एनर्जीज को चेक कर लेती हूँ। ओके द स्टार मेजर गाना से स्टार की एनर्जीज है मेरे पास पे। ओके सो फोर ऑफ कप्स की एनर्जी। सो स्टार्टिंग की जो एनर्जीज मेरे पास में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आई है। एक ये जो कार्ड है कहीं ना कहीं मुझे बता रहे हैं कोई ड्रीम, कोई सपना, कोई प्रॉमिस जो आपके पर्सन ने आपसे किया है उसको पूरा करना चाहते हैं। आपके पर्सन की कहीं ना कहीं अंदर से एक चाहत हो रही है, एक कहीं ना कहीं उनका मन उनसे कह रहा है कि उनका जो ड्रीम है, जो अधूरा रह गया, जो इनकम्प्लीट रह गया है, उसको पूरे किए बिना नहीं रह सकते वो। अब उसको पूरे किए बिना कहीं ना कहीं नहीं उनको अच्छा लगेगा अगर वो उसको इनकम्प्लीट रखते हैं। आपके साथ में उनकी जो जर्नी है उसको अगर इनकम्प्लीट रखते हैं तो कहीं ना कहीं अंदर से उनको एक बर्डन महसूस हो रहा है, बर्डन महसूस करेंगे वो। उनको बार बार जो उनका ध्यान है वो आपके ऊपर जाएगा, फिर बार बार आपकी तरफ रहेगा उनका मन। सुन किंग ऑफ सूट्स, फ्यू मोर एनर्जीज को लूंगी। सो फाइव ऑफ सूट्स, फाइव ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जीज भी है मेरे पास में। सो इन एनर्जीज को मैं क्लैरिफाई करूंगी कि आपके रिलेशन में ये जो एनर्जीज मुझे मिल रही है लड़ाई झगड़े की या फिर एक आर्ग्यूमेंट वाली या फिर परेशानी की एनर्जीज जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ, किस चीज़ की एनर्जीज है चेक करती हूँ, किसके लिए है ये एनर्जीज। फाइव ऑफ सूट्स की, फाइव वॉन्ट्स की जो एनर्जीज हैं वो किसके लिए है, क्यों है ये एनर्जीज कार्ड में चेक करूंगी। ओके सो जस्टिस की एनर्जीज, यानी कि जस्टिस के टाइम में आप एंटर करने वाले हो अगले कुछ दिनों में। अगर अपने रिलेशन में आपने बहुत कुछ दिया है, बहुत आपने अपने पर्सन के लिए बहुत कुछ किया है, अपनी तरफ से अगर आपसे कोई पूछे कि आपने अपने रिलेशन में क्या कुछ दिया है तो आप कहेंगे शायद कि आपने अपनी तरफ से 100% चाहा है कि आपका जो रिलेशन है वो हमेशा अच्छा रहे, खूबसूरत रहे, उसमें ग्रोथ हो और आपके पर्सन हमेशा आपके साथ में हैप्पी रहे। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों के लिए आपके जो इनोसेंट एनर्जीज हैं उनके लिए अभी जस्टिस टाइम कहीं ना कहीं मुझे आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। उसी जस्टिस टाइम की वजह कहीं ना कहीं अब आपके पर्सन की जो एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ वो फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, फाइव ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है कि अब वो कहीं ना कहीं एक अग्रेसिव मूड में मुझे नजर आ रहे हैं, गुस्से वाले मूड में नजर आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जिसे उनका कहीं मन नहीं लग रहा है। वो एक तरीके से ऐसे पर्सन हो गए हैं जो वो हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं अगर आपकी लाइफ में नहीं वापस आ रहे हैं। अब उनको बिल्कुल भी ऐसी होपलेस एनर्जीज में नहीं रहना है कि वो बाउंड है या फिर बर्डन में है या फिर ये रीज़न है जिस वजह से वो आपकी लाइफ में वापस नहीं आ पाते। अब वो नहीं चाहते कि उनकी लाइफ में ऐसा कोई भी रीज़न हो जिसकी वजह से वो आपकी लाइफ में कम बैक नहीं हो पा रहे हैं। सारी चीज़ों से स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके अब वो मुझे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो आपकी लाइफ से स्टेप बाय स्टेप आपकी लाइफ में कमबैक होने के लिए चीज़ों को जो है ठीक कर रहे हैं, अपनी तरफ से जो है सारी चीज़ों को अब वो ठीक करना चाहते हैं। जिन भी चीज़ों की वजह से आपकी लाइफ में वो कमबैक नहीं हो पा रहे हैं या फिर उनकी लाइफ में वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा आपके पर्सन ने ओवरथिंकिंग भी करी है पास्ट में, अपना बहुत समय जो है, अपना बहुत जो टाइम है उन्होंने ओवरथिंकिंग में स्पेंड किया है। अपनी फीलिंग को बिल्कुल अच्छी तरीके से इन्होंने छुपा कर रखा हुआ है, अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल अच्छी तरीके से इन्होंने अपने मन में दबा कर रखा हुआ है। अपने आप को कहीं ना कहीं इन्होंने समझाया है कि अपनी फीलिंग ये आपसे नहीं कहेंगे, आपसे शेयर नहीं करेंगे, साइलेंस मोड पर हो जाएंगे। अगर आप उनको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे तब भी शायद आपको ये रिप्लाई देते हैं तो बहुत ज़्यादा शायद उसमें पहले वाली बात आपको नहीं नज़र आ रही है, या फिर अगर आपको रिप्लाई या फिर हो सकता है ना दे रहे हो, आपको कहीं ना कहीं मैसेज का जवाब ना दे रहे हो, आप इनका वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो, क्योंकि आपके पर्सन अब बहुत ज़्यादा ऑब्जर्विंग मोड में मुझे नज़र आ रहे हैं कि चीज़ों को उन्होंने बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लिया है। बट अभी
अगले कुछ दिनों में आपके पर्सन की ऐसी एनर्जीज हो जाएंगी जब वो आपके बारे में सोच सोच कर जब बहुत ज़्यादा, मुझे यहाँ पे टू एनर्जीज मिल रही हैं आप में से, आपके पर्सन के लिए, आप में से कुछ लोग के जो पर्सन हैं उनकी ये एनर्जीज हो सकती हैं कि आपके बारे में सोच के वो बहुत ज़्यादा लवली फील कर रहे हैं, ट्रूली लवली फीलिंग्स जो हैं वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं हीलिंग एनर्जीज आती है जब वो आपके बारे में सोचते हैं या फिर आपसे जुड़ी कोई भी चीज़ के बारे में सोचते हैं, बट उसके बाद भी वो शायद आपके लिए स्टेप नहीं ले पाते हैं, अपनी फीलिंग को कहीं ना कहीं पर्सन जान चुके हैं कि अब मुझे अपनी फीलिंग्स को दबा कर रखना होगा, भले ही वो उनके पास्ट के बिहेवियर की वजह से हो कि अपनी लाइफ में अभी आपसे कांटेक्ट करने में इनको बुरा लग रहा है या दुख हो रहा है कि मैंने पास्ट में तो इन पर्सन का कदर नहीं करी या फिर पास्ट में पर्सन मुझे मिले, मुझे यूनिवर्स ने इन पर्सन को दिया, कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने इनको इनका पर्सन दिया, बट शायद उन्होंने इनकी कदर नहीं करी, इनको नाराज़ कर लिया या फिर इनको इतना ज़्यादा वेट कराया, तो अब उनको लग रहा है कि अब क्या वो डिज़र्व करते हैं आपकी लाइफ में कम बैक होना। तो आप में से कुछ लोग के पर्सन तो बहुत ज़्यादा इमोशनल वाली फीलिंग्स में मैं कह सकती हूँ दिखाई दे रहे हैं, बट कुछ लोगों के जो पर्सन है मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है अग्रेसिव एनर्जीज में आ रहे हैं, उनको अब ऐसा महसूस हो रहा है लाइक विन और लॉस वाली एनर्जीज में है कि अब ये जो सिचुएशन क्रिएट हो गई है एक नो कॉन्टैक्ट वाली, या फिर वो जो कुछ भी फील कर रहे हैं या फिर आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं और उसके लिए स्टेप ना ले पाना कहीं ना कहीं उनके मन में एक बर्डन को बना रहा है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि अब इस सिचुएशन को वो ही मास्टर हैं अपनी डेस्टिनी के, अपनी किस्मत के, कहीं ना कहीं इस सिचुएशन से उनको ही बाहर निकलना होगा, उसकी वजह से उनके माइंड में कहीं ना कहीं वो अग्रेसिव हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं और अब वो किसी भी ऐसी चीज़ को नहीं चाहते हैं जो उन्हें आपसे मिलने से रोके, आपकी लाइफ में वापस आने से रोके। शायद इन्होंने बहुत ज़्यादा एक वेट किया है, एक पेशेंस रखा है, शायद आपके पर्सन किसी ऐसी सिचुएशन में थे या कुछ दिन पहले किसी ऐसी सिचुएशन में हो गए थे जिससे आपको ऐसा महसूस होने लगा था कि शायद अब इन पर्सन का आपकी लाइफ में कम बैक होना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है, क्योंकि अब आपके पर्सन किसी ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं जिससे उनका कम बैक होना मुश्किल है, बट आपके पर्सन शायद उस वक्त बहुत ज़्यादा पेशेंस उन्होंने रखा हुआ था, अपनी फीलिंग्स को दबा कर रखा हुआ था, बट अब वही पेशेंस, वही फीलिंग्स, वही उनकी डीप थिंकिंग कहीं ना कहीं एकदम से बाहर आना स्टार्ट हो रही है, अभी नहीं स्टार्ट हुई है तो कुछ आगे आने वाले दिनों में स्टार्ट हो जाएगी, जिससे अपनी फीलिंग्स पे बहुत ज़्यादा काबू नहीं रख पाएंगे और सिर्फ एक ही चीज़ चाहेंगे कि वो जल्द से जल्द वापस हो जाए, आपकी लाइफ में कम बैक हो जाए। आपके लिए अगर मैं बात करूँ कि आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं, तो जस्टिस की एनर्जीज मुझे यहाँ नज़र आ रही है, ये जस्टिस अब आपके लिए हो रहा है क्योंकि आपने बहुत अपने पर्सन के लिए कहीं ना कहीं फीलिंग्स को ट्रू रखा है, प्योर रखा है, अपने पर्सन पे बहुत विश्वास किया है, आज भी अपने पर्सन का वेट कर रहे हो, आप उनका इंतज़ार कर रहे हो, तो मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप एक गुड एनर्जीज वाले पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं अपने पर्सन के ऊपर, एक यकीन है आपको कि आपके पर्सन लौटेंगे, ज़रूर लौटेंगे। सो ऑल एनर्जीज़ को चेक करती हूँ आपके पर्सन की, क्या कुछ और एनर्जीज़ वो सोच रहे हैं इस वक्त में और क्या कुछ एनर्जीज आ रही हैं आपके पर्सन की। नेक्स्ट एक्शन को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं आपके पर्सन, क्या कुछ इनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है आपकी लाइफ में। सो मैंने एनर्जीज को मैं चेक करूँगी नेक्स्ट एक्शन को लेकर। ओके, सो एक्शन तो आपके पर्सन लेकर रहेंगे, जब भी हो सकता है आपके पर्सन का जो एक्शन हो रहा है या फिर वो आपकी लाइफ में वापस आने के लिए जो कदम उठा रहे हैं वो भले ही बहुत धीरे धीरे है, स्लोली है उनका एक्शन, बट कहीं ना कहीं एक्शन वो लेंगे, आपकी लाइफ में वापस आएंगे, ज़रूर वापस आएंगे, क्योंकि अब इन्होंने अपने मन में ठान ली है, अपने आप से इन्होंने एक वादा किया है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही मेरे पास में जो एनर्जीज आई थी वो प्रॉमिस की आई थी, इन्होंने आपसे कोई प्रॉमिस किया था, कोई वादा किया था, उसको अब वो पूरा करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं अब एक प्रॉमिस आज इन्होंने अपने आप से किया है कि इन्हें आपकी लाइफ में लौटना है, तो क्योंकि कुछ चीज़ें उन्होंने शायद बहुत ज़्यादा मुझे थर्ड पर्सन की एनर्जीज भी मिल रही, काफ़ी तरफ से आपके पर्सन की जो एनर्जीज मुझे यहाँ मिल रही कि कुछ ऐसा हुआ है उनकी लाइफ में जिससे सारी चीज़ें जो हैं वो समझने लग गए हैं, थर्ड पर्सन की तरफ से, शायद थर्ड पर्सन की तरफ से आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा एक डिससेटिस्फैक्शन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, उनका कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं शायद बहुत दिनों से वो चीज़ों को अनदेखा कर रहे थे, या फिर शायद मुझे यहाँ पे जो एनर्जीज मिल रही कुछ चीज़ें उनके सामने सामने से हो रही थी, जैसे कि उनको थर्ड पर्सन का जो बिहेवियर है अपने को लेकर वो अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद थर्ड पर्सन तो उनकी कदर नहीं करता, उनकी इंपॉर्टेंस ही नहीं करता, या शायद जिस थर्ड पर्सन के लिए वो अपनी लाइफ में सब कुछ छोड़कर उनके पास चले गए शायद वो उनकी
बिल्कुल उसको तो ज़रूरत ही नहीं है, या फिर अगर अपने करियर के लेकर जो है आपसे दूर हो गए थे, मूव ऑन हो गए थे, तो शायद अब उनका उसी करियर में मन नहीं लग रहा है। अब उनको ऐसे महसूस हो रहा है कि नहीं, उनकी लाइफ में सारी ही चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर उनका रिलेशन जिसमें बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं उनका एक लविंग पार्टनर है, एक ड्रीम पार्टनर है। तो बहुत सी चीज़ें अब इन पर्सन को डीपली समझ में आ रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्होंने ओवर थिंकिंग करी है, चीज़ों को समझा है और अब बिल्कुल खुद से एक्सपीरियंस करा है सारी चीज़ों को। सो फ्यू गाइडेंस ले लेती हूँ, क्या कुछ मिल रही है मुझे आज आपके रिलेशन के लिए, एंड यूनिवर्स मैसेज क्या कुछ आ रहा है आपके रिलेशन के लिए चेक कर लेती हूँ। ओके, सो मून एनर्जीज, आप इससे कुछ लोगों की एनर्जीज आ रही है कि बहुत ज़्यादा आप कन्फ्यूज्ड हैं, इमोशनल हो रहे हैं, सरेंडर टू यूनिवर्स की एनर्जीज आ रही है। आप में से कुछ लोगों के माइंड में आपके पर्सन को, आई एम सॉरी, आपको बहुत ज़्यादा होप है, बहुत ज़्यादा कि आपको जो चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जिनका वेट कर रहे हो, आपकी लाइफ में ज़रूर कम बैक होंगे। माइंड में पीस कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा लॉस है, आपको पीस नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी से आप मुझे बहुत जल्द बाहर आते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत ज़्यादा जो सिचुएशन है जिसमें आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आप चाहते हो कि सिचुएशन आपको क्लैरिटी मिले, कहीं ना कहीं आपको बहुत जल्द किसी भी तरह की कोई क्लैरिटी मिलने वाली है। कुछ क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में, आपके दिल में, उनका आंसर आप ढूंढ रहे हो, उनका आंसर जो है कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ एनर्जीज के अकॉर्डिंग, कहीं ना कहीं उनका आंसर आप ही हैं, उनका आंसर कहीं ना कहीं आपका मन ही आपको बता देगा कि जो सवाल आप ढूंढ रहे हैं। सो एक जर्नी के लिए आपको एक प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है, कोई जर्नी, कोई न्यू बिगनिंग आपके पर्सन कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं, मुझे उनकी प्लानिंग की एनर्जी से आपको नज़र आ रही है कि आपके पर्सन आपके साथ में कोई न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, न्यू जर्नी आपके साथ में स्टार्ट करना चाहते हैं, पूरी तरीके से कहीं ना कहीं वो बदल गए हैं, चेंज हो गए हैं और अपनी तरफ से बेस्ट जो रिज़ल्ट है, फिर अपनी तरफ से जो बेस्ट वो कर सकते हैं वो आपके लिए अब करना चाहते हैं। और एक जो अलोन वाली चीज़ें हैं आपके पर्सन के माइंड में, जिससे उनको महसूस होता है कि वो अलोन हो गए हैं, फिर अगर आपको महसूस होता है कि आप बहुत ज़्यादा अलोन हैं, अकेलेपन है, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक बहुत ज़्यादा एक गुड चेंज आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, गुड चेंज आपके रिलेशन की तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है, जो सारी चीज़ों को अचानक से जो है चेंज कर देगा। आपके रिलेशन में सारी चीज़ें जो हैं, जो आपको लगता है कि अब गड़बड़ हो गई है या फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं डिस्टर्ब हो गई हैं, वो कहीं ना कहीं सारी अचानक से ही एकदम से कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से चेंज हो जाएंगे और एक गुड बेटर टाइम जो है आपकी लाइफ में बहुत जल्द वापस आ जाएगा। सो आई होप आपके साथ मेरी टैरो कार्ड रीडिंग है वो रेजोनेट की हो। टिल द टाइम टेक केयर, हैव अ नाइस डे।